हर शिकायत को सर माथे पर लेकर आए हैं आपके द्वार, चुनकर भेजिए तो फिर एक बार। जी हां, सुरसंड के राजद विधायक आपके अपने अबू दोजाना दोबारा आपकी अदालत में आए हैं। अब फैसला आपको करना है। हां, मानते हैं कि कुछ समस्याएं थीं, विपक्ष में थे तो आपकी सेवा का भरपूर मौका नहीं मिल पाया। ये सरकार ने धोखा दिया सारे बिहार की मैंडेट, जो जितनी बिहार की जनता ने वोट दिया था। लालू यादव की सरकार साथ थे, महागठबंधन बनी थी, आरजेडी चाबुक लेकर खड़ी थी कि कोई भी गरीबों का शोषण करेगा, गरीबों की योजनाओं का, गरीबों का पैसा खाएगा, मैं लाठी लेकर खड़ा हूँगा। 18 महीना रही, इन्होंने देखा कि अब ये इनके साथ ये चोरी नहीं करने देंगे, आरसीपी टैक्स नहीं होने दिया जाएगा, तो उन्होंने नया नया षडयंत्र रचा और उस षडयंत्र रच करके हमें तेजस्वी यादव जी, लालू जी, राबड़ी देवी जी को, सभी लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के केस में फंसाया। उस फंसाया इस तरह कि हम लोगों को दिल्ली पटना करते हुए हमारा 3.5 साल गुजर गया। मैं जनता के पास मिल नहीं सका, अपनी भोली भाली प्यारी जनता, गरीब जनता का। इतनी सादगी से भला कौन नेता अपनी गलती स्वीकारता है, जरा आप ही बताइए। देखा है कभी ऐसा? लेकिन ऐसा भी नहीं कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने काम नहीं किया। 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रधाउर से जबाही में 3 किलोमीटर का सड़क किसने बनाया? लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से NH 104 से मतौना तक 8 किलोमीटर की सड़क इन्हीं की तो देन है। इसी मीणा बाजार से अशोक चौक, कुम्मा से मझौलिया तक की लाखों रुपए की सड़क अबू दोजाना के ही प्रयासों का नतीजा है। शेरपुर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 2.5 करोड़ रुपए की बनौली से देवनाथ पट्टी तक की सड़क, 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से मेघपुर से मतौना तक 3 किलोमीटर की सड़क बनवाई, और बिरौली से बछारपुर लगभग 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण भी अबू दोजाना के ही प्रयासों का फल है। अपने 5 साल की विधायकी में इन्होंने अपने प्रयासों से इस क्षेत्र में 1,370 करोड़ रुपए की योजना लाई। देखिए, मेरे क्षेत्र में अबू दोजाना जी है जो काफी अच्छे विधायक है, उन्होंने पिछले बार भी यहाँ के लोगों ने एक एक वोट देकर उनको जिताया और बहुत अच्छा काम किया जी। बहुत अच्छा काम किया, लोग उनसे काफी खुश है और लोगों ने फिर मन बना लिया है कि इस बार हम लोग जो है अबू दोजाना जी को वोट देंगे। अबू दोजाना पंचायतों को मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि विकास की गति में तेजी लाई जा सके। सुरसंड को नगर पंचायत बनाने का श्रेय विधायक को ही जाता है, और उपरी नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। निवर्तमान विधायक अबू दोजाना ने अपने 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, व्यवसाय और सामाजिक समरसता के ढेरों कार्य संपन्न किए हैं। सरयुग हाई स्कूल सुरसंड में भवन और घेराबंदी, और पुपुरी में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में करीब 2 करोड़ की लागत से छात्रावास का निर्माण कराया। अभी बघारी में 2.5 करोड़ की लागत से 32 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। सड़क और पुल पुलियों का तो समझो जाल बिछा दिया है। लेकिन सुरसंड इलाके में जैसे कि दीवारी अति हुआ, हम लोगों को जाने में बाकी जदुपट्टी से दीवारी जाने में 8 किलोमीटर की दूरी पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ 0.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। शायद यही सैयद अबू दोजाना विधायक जी नहीं रहते तो ये पुल नहीं बन पाते, और नहीं बन पाते तो हम लोग 8 किलोमीटर की दूरी घूमते, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। सुरसंड के डाढ़ा बड़ी गाँव में पिछले 70 वर्षों से पुल के अभाव में जान खतरे में डालकर बच्चियां चाचरी पुल से होकर स्कूल जाती थीं, जिसे विधायक जी ने 270 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक पुल की आधारशिला रख निर्माण शुरू कराया। जो गांव सड़क विहीन थे उन्हें जोड़ने का काम किया। सुरसंड, उपरी और चिरौट प्रखंड में 87 नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। विधायक दोजाना के कार्यकाल में व्यापारियों की हर समस्या का समाधान हुआ है। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कोई लूटपाट नहीं हुई और ना ही उनका किसी तरह शोषण हुआ है। सामाजिक समरसता बहाल होने से सारे व्यवसायी बेहद खुश हैं। क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वह अबू दोजाना ही हैं, जिन्होंने दर्जनों गांव में मंदिरों का निर्माण कराया। इसी तरह कब्रिस्तान घेराबंदी में भी विधायक जी ने खुलकर सहयोग किया है। 2020 में महागठबंधन के तहत तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
कई बड़े बचे कार्य पूर्ण कराने का भी संकल्प है। अबू दोजाना ने चुनाव जीत कर आने पर अस्पताल, उद्योग और डिग्री कॉलेज के सपने को पूरा करने की घोषणा की है, तो फिर और किसी के जुमलों में क्यों खोना जब दोबारा घर पर आए हैं विधायक अबू दोजाना। और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट सैयद अबू दोजाना को सुरसन की जनता से मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 7 तारीख को एकजुट होकर वोट दें। राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें इस बार। तेजस्वी भव बिहार।